गोसाईगंज लोकल न्यूज समाचार की ब्रेकिंग न्यूज। गोसाईगंज नगर के डॉक्टर जावेद अहमद जनरल फिजिशियन के सहारा क्लिनिक पर आज अस्थमा से संबंधित बीमारियों की जांच का एक बयान आया था, जहां डॉक्टर जावेद अहमद के नेतृत्व में फ्री अस्थमा का जांच कराया जा रहा था। डॉक्टर जावेद अहमद बताते हैं, खांसना या सिरप और एंटीबायोटिक के साथ उपचार के बावजूद बार बार खांसी आती है तो हो सकता है कि अस्थमा हो। रात में हंसते और खेलते समय खांसी का बढ़ जाना अस्थमा का संकेत है। सांस लेने के दौरान आपके बच्चे को सांस लेने के दौरान एक सीटी बजने जैसी आवाज सीने से आती है। सांस घरघराहट छाती में जकड़न भी अस्थमा से संबंधित हो सकता है। और आज ही डॉक्टर से राय लीजिए, इसके संबंध में आप हमें बताइए कि अस्थमा। सिप्ला ये फार्मा हमारी कंपनी है, ये रेस्पिरेटरी में नंबर वन कंपनी इंडिया में है जी। और हम लोग का ये कैंपेन है ना, फ्री यात्रा, ये फ्री कैंप, हाँ ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क कैंप है, जिसमें पेशेंट का फ्री में जांच करते हैं हम लोग विदाउट टेकिंग ए सिंगल रुपी, पहला। दूसरा, ये कैंपेन हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया रन कर रहे हैं, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया रन कर रहे हैं। और इसमें हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, पेशेंट को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, उनके बीमारी के बारे में अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को और अच्छा बना सके। नहीं, वो जांच करके मुंह से फूंक लगाया जा रहा है, इसमें कितना पॉइंट आया है? ये एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, लगभग वैल्यू होता है कि आपकी क्षमता कितनी होनी चाहिए और क्या है। अगर आप टाइमली जान जाएंगे तो आप उसके प्रति सतर्क हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, अवेयरनेस की बात कीजिए तो अस्थमा में उतनी अवेयरनेस नहीं जितनी अवेयरनेस बीपी के बारे में। पेशेंट आके बोलता है, मेरा बीपी कितना, डॉक्टर बता दीजिए, मेरा शुगर कितना, डॉक्टर बता दीजिए। लेकिन जब अस्थमा की बात आती है, कोई पहले टूल नहीं था, पर अभी ऑथेंटिक टूल है बिल्कुल, मास्टर एफटी मशीन, अच्छी अच्छी मशीन अवेलेबल है, जिसे पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में अच्छी जानकारी लेकर के आगे होने वाली बीमारी से बच सकता है। और इसके लिए इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग, हमने भी फूंक मारा, हमारा 550 आया है, तो क्या हम सही हैं? हर आदमी का माई बेस्ट होता है, हर पेशेंट का माई बेस्ट होता है जी। अगर आप नॉर्मल है बिल्कुल और आप नॉर्मल कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, तो जितना आप कर रहे हो बेस्ट है, पर वो अगर सिम्टम के साथ अगर डाउन हो रहा है तो ये आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है जी। तो उसका पेशेंट की एज और हाइट के हिसाब से चार्ट में देख के प्रेडिक्टेड वैल्यू बताया जाता है। एज हमारा 52 साल है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू अपने पास होता है इस तरह टू वैल्यू, पहला पेशेंट का एज और हाइट जी, तो इसका प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाला जाता है, उसको देख के बताया जाता है पेशेंट को आपकी क्या वैल्यू आ रही है। सीधा सीधा मैसेज है, हर पेशेंट हर आदमी अपने लंग का वैल्यू जाने। आप कहाँ से निकले हैं? मैं फैजाबाद से। फैजाबाद से किस कौन कौन से गांव में गए हैं या क्षेत्र में गए हैं, बाजार में गए हैं? ये वैन यात्रा देवरिया, पड़ौना, गोरखपुर, बस्ती, अकबरपुर होते हुए कांडा आई है और आगे लखनऊ तक जाएगी। ये गोसाईगंज आज है, तो कितने बजे तक रहेगी यहाँ पे? आज शाम तक। थैंक यू।